देना ये हिल रहा है, ये देखें ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं अंदर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज ही हम क्या करते हैं जी, ब्लॉग शुरू। आज हमारा मौसम चेक करें, ठीक है। ऊपर बादल है, थोड़ा सा साइड पे चल के दिखाते हैं आप। ये देखिए आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो पहले तो 3-4 दिन हो गए हैं गर्मी, सुबह सुबह उठते सारी, रात को सोना नहीं सी देती गर्मी, इतनी गर्मी थी। हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो अभी खत्म है, हमारे पास 6 और चूजे लेके आए हैं हम, ठीक है। तो उनके लिए अलग पिंजरा बनाया क्योंकि बड़ी मुर्गियां उनको मार दी थी। तमथील का आप देख सकते हैं टिंड हो गई है, ठीक है, हमारी भी हो गई है। देखें ये देखें, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। टिंड हमने तब करवाई थी जब गर्मी थी, 2-3 दिन पहले करवाई थी। तो उतों ही आओ, उतों ही ये छोटा सा बच्चा है नहाने के लिए आया है, ठीक है। मोटर चल रही थी, तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, रश नहीं है। वरना यहाँ पे तकरीबन 100-200-300 बंदा होता है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे नहाने के लिए आए थे। वो देख लें, वो पीछे ठहरे हुए हैं ये वाले। तो इनको कुत्ती पड़ गई, उसे नज़र नहीं आता, लेकिन इनकी आवाज़ सुन के ना कुत्ती ने पता लगा लिया कि भाई बंदे कोई और ही हैं, तो उनको पढ़ना है। तो वो भोंकना शुरू हो गई थी। तो बाकी हमने रात को यहाँ से ना गुड़ा पकड़ा था, वहाँ से आया अपने, क्या कहते हैं, वहाँ से आती हैं ज़्यादातर इस तरफ की हवा ना। तो आज भी मेरे ख्याल में इसी तरफ की हवा है। तो अभी आपको पहले हम चूज़े चूज़े दिखा लेते हैं। ओ ओ, ओ ये देखें ये चूज़े हैं, ये ओ, 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 ये जाली है पंखे की, ठीक है। ये 6 चूज़े हमने लिए हैं ये वाले, ज़रा चेक करें। तो ये हमें मिले हैं जी, 310 रुपये का एक मिला था, आज इनको तीसरा दिन है। वैसे थोड़े से ना वो हो गए हैं यहाँ के ना, आदि हो गए हैं। पहले दिन तो वो वहाँ पे आके बैठ रहे थे इस जगह पे, यहाँ कभी वहाँ पे और यहाँ कभी वहाँ पे। पहले दिन जब हम लेके आए थे तो ये बड़े वाले चूज़े हैं ना, इनको मारते थे रात, इन्होंने ऐसी मार खाते गुजारी अपनी। तो अगले दिन हमने सोचा कि जाली ले आते हैं, तो ये जाली ले के आए हैं, ठीक है। जाली ले के आके इसको लकड़ी के साथ ऐसे बनाया, ये देख लें, ये एक तरह का केज ही बन गया है। लेकिन अभी ये ना छोटा हो गया है, बाहर मिट्टी डली है, ये देख लें मिट्टी है ना। और ये देख रहे हैं यहाँ पे बारिशें आने की देर है, यहाँ पे पानी भर जाता है, क्योंकि पिछले जो पिछली बारिश आई थी उसमें ये इसके ना अंडे सारे गीले हो गए थे, और ये मुर्गी भी गीली, ये देख लें ऊपर बैठी हुई है। अभी हमने इसे ना नीचे पेटी रख के, ये गत्ते वाली पेटी उस वक्त गीली हो गई थी, अभी ये और ले के आके यहाँ पर रखी है। तो अभी ये बैठी हुई है ऊपर, ये देखें। तो उम्मीद है कि आज या कल इसके बच्चे निकल आएंगे अंडों में से, क्योंकि अंडे ना थोड़ा वो कर रहे हैं, टूट रहे हैं, थोड़े थोड़े टूट रहे हैं अंडे। अंदर मिट्टी डालनी है, ये देख लें, ये जहाँ पे मुर्गा ठहरा हुआ ना, तो इसके नीचे नीचे ये वो ईंटों के बराबर बराबर यहाँ पे मिट्टी डाल देनी है, ठीक है, जाली के बराबर। फिर ये दरवाज़ा काट के दरवाजे को भी ऊँचा करना है। बाकी थोड़ा सा छोटा तो हो जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। बाकी ये देख लें चूज़े, अभी हम जा रहे हैं जी वो चरी लेने के लिए। तो ये जी हमारे डेरे तक ना रास्ता बनने ला जा रहा है, पीसी डलने लगे, यहाँ पे भी पानी डल गया, ये देखिए, ये यहाँ तक वो पानी तक जाना है, ठीक है। तो बाकी ये जी चरी लेने के लिए हैं, यहाँ पे ये आज ले जानी है और ये शाम को ले जानी है, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। यहाँ पर ये खलासी हो जानी है, ख़त्म हो जानी है, ये देखें थोड़ा सा ही रह गया, बाकी सारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। फिर हमने वो डेरे के पास ही चले जाना है दोबारा पीछे, अभी ये एंड है यहाँ पे, फिर वहाँ से डेरे के साथ ही ना वहाँ से शुरू कर लेंगे। अभी बजर उन्होंने डाल दिया है, ठीक है। तो बजर के ऊपर अभी आज या कल ना पीसी डलनी शुरू हो जानी है, ठीक है। तो ये जी रोड हमारा हो जाना है, बिल्कुल सिटी रोड बन जाना है डेरे तक, तकरीबन आज या कल कह रहे थे शुरू होना है। अभी ये थोड़ा सा ना बजर डाल रहे थे, ये देख लें, रात भी आई थी 1-2 ट्राली, और आज भी मेरे ख्याल में लेने जा रहे हैं। ये ट्रालियाँ उनकी ठहरी हुई हैं, ये वाली, ये भी उनकी और वो भी उनकी, और पीछे वो जो डालती है अंदर ट्रैक्टर के साथ ही उस उन्होंने फिट किया हुआ है मसला कोई, तो वो डालता भरता है ट्राली को। ये देखें जी लेज़र वाला काम हमारा कम्प्लीट करके अभी जा रहा है, ठीक है, किसी और की करने के लिए ये जा रहा है। ये देख लें बाई निकाल दी है, ये देख लें पानी शानी पी रही है आके। अभी इसको दाना शाना डालते हैं, अंदर वालों को भी दाना डालते हैं,
और तमसील अंदर अभी अंडे चेक कर रहा है कि कोई सीन बनाएगा नहीं। अभी कल तो देख रहा था कि कह रहा था थोड़े थोड़े ना टूट रहे हैं, थोड़े थोड़े बचे ना निकलने वाले ही हैं एक दो दिन तक। बाकी अभी सीन देखते हैं आज निकलते हैं कि कल निकलते हैं या नहीं निकलते, क्योंकि हमने ये सुना है कि इनको ना मुर्गियों को अंधेरे वाले कमरे में रखते हैं कि अगर कोई ऊपर से बादल हो या बिजली 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 पड़े तो उससे के साथ उसे बिजली के साथ ना बिजली पड़ने के साथ वो अंडे हो जाते हैं ख़राब, तो इस वजह से इसे जी अंधेरे वाले कमरे में रखते हैं। तो वो हमने तो ऐसे ही सामने रख दी है, सामने वो देखें इस तरफ दरवाज़ा, चलो ये तो दरवाज़ा हो गया, परली तरफ ना वो है क्या कहते हैं जाली लगी हुई है, तो वो सारा कुछ अंदर जाता गया है। अब पता नहीं निकलते हैं कि नहीं निकलते, ये हमें नहीं पता क्या सीन इनके साथ बनता है। अब ये जी अपनी थकावट उतार रही है, इसे अभी नहलाया है, सुबह खोला अभी खोला था, खोलने के बाद अभी इसे नहलाया। अभी ये देख लें, ये देख रहा है वो सामने है कुत्ता, वो जा रहा है, ये देखें उसकी तरफ देख रहा है, सुनता नहीं है भाई, इसे कहते फरतू, कोई पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं हम पीछे से। देख लें टूट रहे हैं ना थोड़े थोड़े, ये टूटा हुआ ये देख लें, ये यहाँ से ऊपर से टूटा हुआ है, ये देख लें ये हिल रहा है, ये देखें ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में काफ़ी ज़्यादा हैं, ये अब आस्ता आस्ता ही निकलेंगे। लें जी इसी के साथ हमें इजाज़त, अंडे मैंने आपको दिखा दिए हैं उसमें से बच्चे अभी एक दो बचे हैं, तो कल तक इंशाल्लाह निकल जाएंगे, तो कल आपको सारे दिखाएंगे, सारे फाइनल जितने भी निकलेंगे ना वो कल आपको दिखाएंगे। साथ ही हमने रात को पानी लगाना है, ठीक है, रात को इंशाल्लाह पानी लगाएंगे, कल सुबह सुबह फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर आ जाएगा वो कद्दू कर देगा। बाकी फिर ठीक है, कल वाले व्लॉग में हमें मिले, अल्लाह हाफिज़।